नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। कोरोना के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान भी महिला मोर्चा जिला फरीदाबाद की महिलाएं एक सराहनीय कार्य करती हुई नजर आ रही हैं। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन कैंप में सहायता केंद्र लगा रही हैं, जिसमें सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रही हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। महिला मोर्चा जिला फरीदाबाद द्वारा स्लम बस्ती 13/3 में निशुल्क वैक्सीनेशन कैंप जिला अध्यक्ष श्रीमती राजपाला सरदाना के नेतृत्व में और जिला महामंत्री प्रतिभा तिवारी जी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कैंप की विशेषता ये रही कि इस कैंप में 60% महिलाओं ने वैक्सीनेशन का लाभ उठाया, तो वहीं वार्ड वाइज के पार्षद जितेंद्र यादव जी भी कैंप में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद नजर आए। जिला कोषाध्यक्ष अनीता अग्रवाल, महिला मोर्चा सराय मंडल की अध्यक्ष अंजना रावत, मंडल महामंत्री संतोष भारद्वाज, अल्पसंख्यक मोर्चा सचिव आरती जैन, ESI मनिंदर जी, संयोगी सरोज जी, श्रीमती सुनीता हेमलता जी और आशा वर्कर श्रीमती रेखा जी बस्ती में क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर यादव जी और 13/3 बस्ती में चल रहे प्रकाश पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ओम प्रकाश यादव और स्कूल के अध्यापक उल्लन भारद्वाज के संयोग से ये कार्यक्रम सफल रहा। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाने के लिए महिला मोर्चा जिला महामंत्री श्रीमती प्रतिभा तिवारी जी ने एक दिन पहले ही 13/3 बस्ती में चल रहे प्रकाश पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए निवेदन किया और उनका पूर्ण सहयोग भी प्रतिभा जी को मिला। इस कड़ी में महामंत्री जी ने घर घर जाकर लोगों को COVID-19 टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। उन्हें बताया कि क्यों टीकाकरण बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो जैसा कि आपने देखा कि महिला मोर्चा जिला फरीदाबाद की महिलाओं ने किस तरह इस कोरोना महामारी के दौरान घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और उन्हें टीकाकरण के लिए आगे आने को कहा और टीकाकरण करवाया। साथ ही आपको बता दें कि इस कैंप में 175 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसका लाभ 60% महिलाओं ने उठाया, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी तरह की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए लोकबात, जनता की बात, जनता के साथ। धन्यवाद।